हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जैकपॉट है, अभी तक काफ़ी स्ट्रांग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस 180 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहाँ से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए। इसका प्राइस 600-2800 रुपये के आसपास में हमें जाते हुए देखने मिला और वहाँ से इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार तरीके से गिरावट शुरू किया, जिसकी वजह से इसका प्राइस 400 के भी निचले स्तर तक हमें आते हुए देखने मिला था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी हम वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें जितना गिरावट देखने को मिल रहा है उतना हमें खरीदारी करना चाहिए। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार तरीके से रैली शो किया, जिसके वजह से इसका प्राइस 400 की क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से भी काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने भयंकर रैली शो किया, यहाँ पे हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से 600 रुपए के क्रॉस करके काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने गिरावट शो किया है। हालांकि बात करेंगे पिछले 1 साल में, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 154% से एबव का अभी भी हमें इस स्टॉक में मुनाफा देखने को मिल रहा है। यहां से जिस तरीके से इस स्टॉक ने गिरावट शुरू किया था दोस्तों, वहां पे हम आप लोगों के वीडियो में हमेशा डिस्कस किया दोस्तों, अगर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है तो हमें खरीदारी करना चाहिए। फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से 600 रुपए क्रॉस करके हमें 1000 के क्रॉस करते हुए भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक जैकपॉट है दोस्तों। यहां पर बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहां पे देख सकते हो काफी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें हमें काफी स्ट्रांग तरीके से रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पे देख सकते हो हालांकि थोड़ा सा यहां पे नेट का इश्यू है, जिसके वजह से यहां पे चार्ट डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तक जिस तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है वाकई में काफी स्ट्रांग है। हालांकि बात करेंगे यहां पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने कितना परसेंट का यहाँ पे डिलीवरी शो किया है, तो यहाँ पे 30% से एबव का काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें डिलीवरी का पोजीशन भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे इसका 52 लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 170 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, वहां से इस स्टॉक ने 628 रुपए का भी हाई शो किया है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। इसका फेस वैल्यू की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि बात करें क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से नेट प्रॉफिट भी शो किया था। हालांकि सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, उससे पहले हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे 73% के आसपास का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बात करें यहाँ पे क्या प्रमोटर का शेयर प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में काफी शानदार है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे अगर बात करेंगे रिजर्व पर सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे रिजर्व पर सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है और पिछले साल के अकॉर्डिंग जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे रिजर्व पर सरप्लस का फिगर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेप्ट भी कोई खास है नहीं, हालांकि बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कोई खास है नहीं, यानी कि 100% के अप्रोक्स में कंपनी डेप्ट फ्री भी हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करें इसका रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, पिछले 5 ईयर का इसका रेवेन्यू ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है और एवरी ईयर का ग्राफ काफी शानदार तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पिछले साल का सबसे हाईएस्ट हमें रेवेन्यू ग्राफ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे नेट प्रॉफिट की रिगार्डिंग, तो पिछले साल सबसे हाईएस्ट कंपनी ने नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी शो किया है दोस्तों। तो स्टॉक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। हालांकि बात करेंगे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कितना सेल्स शो किया है, तो सेल्स का फिगर जबरदस्त है, सितंबर क्वार्टर में ओनली 526 करोड़ के आसपास का
सेल्स का फिगर देखने मिला था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 874 करोड़ का हमें यहाँ पे सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमें यहाँ पे सेल्स का फिगर देखने मिला है, स्टॉक अपने आप में काफी शानदार है और आगे भी इसमें हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे भी हमें 73% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि FII का होल्डिंग और यहाँ पे DI का होल्डिंग कोई खास है नहीं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का मार्केट है कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 11,500 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि बात करेंगे सेक्टर के पीसीओ का, तो यहाँ पे 44.67 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीसीओ से इस स्टॉक का पीसीओ थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस यहाँ से काफी आगे जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसमें कितना गिरावट हमें देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इसका प्राइस अगर यहाँ से थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिलेगा तो इसका प्राइस हमें 380 रुपए के आसपास में आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा और फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के भी क्रॉस करके हमें देखने को मिल सकता है, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा।